Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. All right. Welcome back to the part 2 of CSRF video. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पोर्ट्स फिगर के लैब्स तो सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर बात केवल लैब्स की नहीं है। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बॉब सूट कैसे एक एडवांस तरीके से यूज करा जाता है, कैसे आप लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि POC जनरेट कर सकते हो CSRF के लिए, और कैसे आप लोग, जो याद है आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में एक कोड बनाकर दिखाया था जहाँ पर ऑटो सबमिट हो जाता है, वो सब जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ें थी, वो ऑटोमेटिकली आप कैसे बनवा सकते हो बॉब सूट की मदद से, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को पूरा देखोगे अगर आप लोग, तो आप लोगों को CSRF का तो नॉलेज मिलने ही वाला है, वो तो आपका दिमाग क्लियर करने ही वाला है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बॉब सूट एडवांस लोग कैसे यूज करते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो, जो भी ये वीडियो को देख रहा है, ये वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज एबेजिल और ये वीडियो है CSRF की पार्ट 2। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब मैं यहां पर आप लोगों को पोर्ट्स फिगर के दो लैब्स सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, जो दो लैब्स अलग अलग लैब्स हैं, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग पैरामीटर के ऊपर काम करते हैं। और चलो सबसे पहले हम लैब्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा एक लैब है जिसका नाम है CSRF वल्नरेबिलिटी विथ नो डिफेंस। ये एक नॉर्मल CSRF वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पर कोई भी एडवांस चीजें नहीं है, लेकिन इस पोर्ट फिगर के लैब की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने करा था डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, जो वीडियो के स्टार्टिंग में पार्ट 1 में मैंने दिखाया था डेमोन्स्ट्रेशन, वो मैंने कैसे करा था, ऑटो सबमिट वाली चीजें जो मैंने लिखी थी वो ऑटोमेटिकली कैसे होगी, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। इसके लिए आप लोगों को चाहिए बॉब सूट मेरे पास है, आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज अपने बॉब सूट का जो एक्सटेंशन है उसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अलग जगह पर बैठा हुआ हूँ तो बैकग्राउंड में आवाज आ सकती है, लेकिन बैर बिठित। तो मैं यहाँ पर एक्सेस द लैब करूँगा। एक्सेस द लैब करने के बाद यहाँ पर हमारा जो बॉब सूट है उसके अंदर इंटरसेप्ट को अभी ऑफ रखेंगे, हाल फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हो जाने देते हैं। जैसे ये होगा वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर एक लैब दिखेगा जिसके अंदर आप लोगों को ईमेल चेंज करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, लॉग इन करता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को ये लैब देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोगों के पास एक फीचर है जहाँ पर आप ईमेल चेंज कर सकते हो। तो याद है हम लोगों ने जैसे यूजर नेम को चेंज करा था, उस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ईमेल चेंज करना है, ठीक है। तो वो अभी हाल फिलहाल हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, थोड़ी सी स्लोनेस आपको वीडियो में देख सकती है, बैर विथ इट, अगेन बैर विथ इट। तो यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करने के लिए एक फीचर दिखता है, लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड दे रखे हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली टाइप करना है, ठीक है। हमारा आईडी पासवर्ड है कार्लोस और जो पासवर्ड है वो है मॉन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, MONTOYA, ठीक है। तो MONTOYA और जैसे एंटर प्रेस करेंगे इसको एक बार सेव कर लेते हैं ताकि ऑलवेज हमको ये याद ना रखना पड़े, ठीक है। कार्लोस सेव, ओके। तो यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की एक पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा चेंज ईमेल करके एक फीचर है, तो हम यहाँ पर ईमेल चेंज करने के लिए जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ईमेल जो भी हमको चेंज करना है वो कर देंगे, test@spinthehack.com, ओके। और यहाँ पर मैं करता हूँ अपडेट एंड ईमेल। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इंटरसेप्ट को ऑन करा ही नहीं है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेप्ट को ऑन करना है, ऑलवेज इट्स नॉट नेसेसरी। आप लोगों को HTTP हिस्ट्री के अंदर दिख जाएगा जो चेंज ईमेल वाला रिक्वेस्ट होगा वो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेंड टू रिपीटर करने के बाद रिपीटर के अंदर ये आ जाएगी रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट है चेंज करने वाली वो आ गई है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये CSRF अटैक के लिए वैलिड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CSRF कुकीज़ कहीं पर यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ मैग्नीफायर ऑन करूँ या चल लेगा, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर CSRF का कोई भी एक टोकन नहीं है, CSRF यहाँ पर टोकन जनरेट नहीं कर रहा है सर्वर, वो क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पर CSRF का कोई भी टोकन नहीं, उसका मतलब है कि CSRF वैलिड नहीं कर रहा है। तो कुकीज़ आप लोग देखो क्या होता है, अगर CSRF से बचना है ना किसी को, कोई भी सर्वर को, तो वो क्या करता है, CSRF टोकन जनरेट करता है। अगर आप लोगों को CSRF अटैक को बचाकर रखना है आपकी खुद की वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोग CSRF टोकन जनरेट करवा सकते हो। जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करता है तो आप लोगों को CSRF टोकन जनरेट करवानी पड़ती है, एक टोकन जनरेट होती है, वो टोकन आपको मिलती है और वही टोकन से कम्युनिकेशन हो सकता है। तब आप दूसरी वेबसाइट से क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी नहीं कर सकते, जैसे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा हुआ था, वैसा आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कोई CSRF है नहीं, देन यू कैन ट्राई हियर कि क्या आप लोग CSRF कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या करोगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर एंगेजमेंट टूल्स के अंदर देखोगे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है
जनरेट CSRF POC POC यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा HTML कोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसके अंदर सेटिंग में जाकर ऑटो सबमिट, नहीं सेटिंग में नहीं, कहाँ पर होता है ऑटो सबमिट वाला, मैं भी भूल गया यार बहुत, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट लिखा हुआ, इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटो सबमिट की जो स्क्रिप्ट होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इतनी चीजें यहाँ से कॉपी करनी है, क्या कर सकते हो रीजनरेट, सॉरी ऊपर रीजनरेट करना भूल गया मैं, ठीक है क्या करा मैंने ऑप्शन में इसको ये किया और उसके बाद रीजनरेट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ऑटो जनरेट वाला स्क्रिप्ट है वो आ गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को आपके वेबसाइट के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लैब सॉल्व करने के लिए आप लोगों को गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर करना पड़ेगा। गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इसको पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर करना पड़ेगा स्टोर और शायद लैब सॉल्व हो जाएगा हमारा या फिर व्यू एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा एंड ओके। तो देख सकते हैं हमारा लैब जो है वो सॉल्व हो गया, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन इस कोड को आप कोई भी वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो और ये आपका जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया नो डिफेंस, तो यहाँ पर कोई भी डिफेंस नहीं था, ये समझ रहे हो, कोई भी डिफेंस नहीं था, यानी कि आप लोगों ने नॉर्मली CSRF का पोक जनरेट करा और आप लोगों ने आपका काम निपटा डाला। लेकिन एक केस हो सकता है जहाँ पर CSRF की टोकन है, क्या है वो हम देखते हैं, एक्सेस द लैब करते हैं। इसके भी पासवर्ड है कार्लोस और मोंटानियो, ठीक है। लैब एक्सेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं फटाफट से वीडियो को स्किप करता हूं। तो यहां पर हमारा लैब जो एक्सेस हो चुका है, अब यहां पर लॉगिन पैनल के अंदर जाएंगे। लॉगिन पैनल के अंदर जाने के बाद कार्लोस और मोंटानियो हमारे पास है ही भैया, यहां पर ऑटो सबमिट तो आ नहीं रहा है, ठीक है आ गया यहां पर कार्लोस मोंटानियो और यहां पर हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद यहां पर सेम फीचर है चेंज ईमेल, चेंज ईमेल में जाऊंगा और यहां पर मैं चेंज ईमेल के अंदर कर दूंगा test@spinthehack.com और इस बार मैं क्या करूंगा अपना इंटरसेप्ट ऑन कर लूंगा ताकि हम लोगों को फाइंड ना करना पड़े और ज्यादा दिक्कत ना करे ये चीज, ठीक है। तो अपडेट ईमेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट ईमेल आ गया, इसको मैं करता हूँ सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया। रिपीटर के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ध्यान से CSRF टोकन जनरेट हो रहा है, ठीक है ये देख रहे हो CSRF लिखा हुआ है, ये CSRF की टोकन जनरेट हुई है, तो CSRF की टोकन यहाँ पर जनरेट हो गई। अब क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर आप लोग वो जो कॉन्सेप्ट हमने अगले वाले जो पिछले वाले लैब के अंदर करा वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पर चेंज कर दो कोई भी लेटर, उसके बाद ऑब्जर्व करो कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है रिस्पॉन्स कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं रिस्पॉन्स हमारा क्या आता है, ठीक है तो इनवैलिड CSRF टोकन। उसके बाद हम क्या करते हैं CSRF टोकन को हटा देते हैं और यहाँ पर टाइप करके देखेंगे 1 2 सेंड करो, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। अब ये कितनी चीज़ें और अलग अलग कर सकते हो, ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं जो आप अपना सकते हो CSRF को फाइंड करने के लिए, वो पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो की पार्ट 3, उसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस तरीके से क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको करने अगर आप लोगों को CSRF को फाइंड करना है। इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चेंज करोगे, क्या गेट रिक्वेस्ट को पोस्ट रिक्वेस्ट में चेंज करोगे, क्या चीजें करोगे, कितने कितने ऐसे तरीके होते हैं CSRF को फाइंड करने के, वो डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 3 में, लेकिन इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग नॉर्मली CSRF को बंद कर सकते हैं, ठीक है हम CSRF की टोकन को हटा देते हैं और अब हम देखते हैं कैसे ये ब्राउजर रिएक्ट करता है। तो यहां पर देख सकते हो यहां पर कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, 302 फाउंड आ गया, तो क्या हो गया यहां पर हमारा जो सक्सेसफुली है वो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगेजमेंट टूल में जाएंगे, एंगेजमेंट टूल में जाने के बाद जनरेट CSRF टोकन, यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे, इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट रीजनरेट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इंटरसेप्ट को हमने ऑफ कर ही रखा है। इसके बाद गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर और जो चीज़ें हमने पहले वाले लैब में करी वो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को कर देनी है, तो हमारा जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगा। स्टोर करूंगा और हमारा लैब जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है सो आवर लैब इज सॉल्व। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे अलग अलग सिनारियोज होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया CSRF की टोकन को इरेज कर दिया, इस तरीके से कौन सी चीज़ें आप ऐड करोगे, क्या निकालोगे, ये सब एडवांस जो चीज़ें CSRF की वो मैं आपको इसके पार्ट 3 में बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो होगी 5-6 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा वो वीडियो नहीं जाएगी, तो अगर आप लोग CSRF को एडवांस सीखना चाहते हो तब जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ तक सीखना था चीज़ों को देन यू आर रेडी टू गो नाउ, आप लोग CSRF को कर सकते हो, CSRF के लिए आगे बढ़ सकते हो, CSRF वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपके पास इनफ नॉलेज हो गया मेरी इस वीडियो से, ठीक है समझ गए आप लोग क्या करना हो क्या नहीं करना होता है, CSRF टोकन क्या होती है, कैसे क्या करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को कमेंट करके जाना कि आप लोगों को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और पार्ट 3 के अंदर मैं फिर से आपको मिलता हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए। तो फिर इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलूंगा आपको पार्ट 3 में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।